बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीपी विलेज। तो एक नई व्लॉग वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहती हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम ये देख लें जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन वाले आइकॉन पर प्रेस कर दें। आज हम आए हुए कहीं दूर अपने गांव से घास काटने के लिए, क्योंकि गांव में जो है घास नया जो है बोया है, वही आपको मैंने वीडियो दिखाई थी, अभी वो नहीं है हुआ। तो ये दूर आए हुए हैं गांव के साथ ही, तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर। तो आज यहाँ पे आपको व्यू दिखाते हैं जी, बहुत प्यारा व्यू है। मैंने कहा चलें आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट आप ज़रूर किया जाए। तो जी आप देख सकते हैं जी व्यू के, दरख्तों का व्यू जो है कितना प्यारा आपको देखने को मिल रहा है। ये चेक करें जी, ये देख लें जी, दोस्त मेरा जो है घास काट रहा है। इधर देखें जी भाईजान, देख लें जी घास जो है काट रहा है। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लें, आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लें और चार बातें भी कर लें। धूप देख लें जी, इस जो है सूरज खूब जो है आग बरसा रहा है। ये साथ का व्यू चेक कर लें, बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है आपको, चेक कर लें जी। यहाँ से जो है घास जो है काट के पहले ले गए हैं, तो ये घास खड़ा है जी। तो ये देख सकते हैं जी मकई है, ये मकई के जो है घास है, ये चेक करें जी, क्योंकि ये छोटा छोटा है अभी, तो इसलिए जो है क्योंकि जानवरों के लिए घास नहीं है तो इसलिए जो है इसको जो है गुजारिश करते हैं कि मेरे चैनल पीपी विलेज को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ लगे घंटी के बटन बेल आइकॉन पर प्रेस कर दिया करें और लाइक जो है मेरी वीडियो को ज़रूर किया करें, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि लाइक करने से जो है मेरा हौसला बढ़ता है और फिर आपके लिए मैं अच्छी अच्छी जो है व्लॉग की वीडियो जो मैं लाता रहूँगा। तो देख सकते हैं जी बेहद जो है खूबसूरत व्यू है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या करें जी, घास तो लेके जाना ही है फिर। तो गांव में तो इसी तरह मसरूफियत रहती है कि जानवरों के लिए घास वगैरह जो है काट के ले जाना ही होता है, जैसे कि हम 3 वक्त जो है खाना खाते हैं, इसी तरह जो है उनको भी घास जो है डालना पड़ता है। तो इसलिए जो है जो किसान लोग होते हैं, जैसे कि हम देहात में रहते हैं, मैं देहात में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग जो है जानवरों का ज़्यादा फिक्र करते हैं, अपने से भी, खुद जो है सुबह का नाश्ता बाद में करते हैं, पहले जानवरों के लिए चारा काट के उनको डालते हैं। तो इसलिए जो है आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जी बंजर ज़मीन पड़ी है साथ, इस पे जो है कुछ भी काश्त नहीं किया गया, चेक कर सकते हैं आप। ये हनुमान भाई, तो ये फिर हाथ पट्टे काटने के लिए आ गया है मेरे साथ में। गर्मी बहुत है तो मेरी तो बस हो गई थी भाई, तो ये कहता है ला इधर दात्री, तो मैं वाट देता हूँ आपको पट्टे। मैं कह चल पहाड़ बिस्मिल्लाह वाद। ये मेरा दोस्त है, तो अच्छा दोस्त है, आज हमने छतें भी लिपी थी पहले, बाद में हम पट्टे काटने के लिए इसे ले आए गांव से। देख लें बस कर रुमान, यह अब पल्ली में डाल रहा है चुपके चुपके से, दोनों कठिया चाल है, देख लें। ये जाके इसने इकट्ठे किए हुए थे एक पल्ली में, पल्ली साइड से चला जाए। तो हमने जो है घास काट लिया सारा, देख लें जी दोस्त मेरा लेके आ रहा है सर पे उठा के। तो अब हम जा रहे हैं जी घर।
बहुत वजनी है इसलिए मैंने नहीं उठाए क्योंकि टार्जन है ये। वजन बहुत था जी घास का, क्या करें जी, क्योंकि दूर से लेके जाने थे इसलिए जो है ज़्यादा काटे हैं कि सारा दिन गुजर जाएगा सुबह शाम का भी, इसलिए जो है ज़्यादा काट के जो है लेके जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी अपनी बाइक के पास, देख लें जी मेरे पीछे का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा होगा देखने को जी। बाइक पे अब हम जा रहे हैं जी घर, तो रास्ते का व्यू जो है मेरे साथ रहिए, तो रास्ते का व्यू भी आपको जो है दिखाते जाएंगे जी। व्यू जो है बेहद खूबसूरत है, रख जो है सड़क के दोनों तरफ जो है दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए जो है मैं इस तरह की वीडियो जो है रोज़ नई से नई लेकर आता हूँ, तो जो भी मेरे चैनल पर नए जो हैं व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बेल आइकॉन पर। हम जा रहे हैं जी घर, तो हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।